दुर्ग शहर के एक क्षेत्र में केबल का प्रसारण कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दिव्यांग केबल ऑपरेटर योगेश ने सोमवार को एसडीएम दुर्ग मुकेश रावते को ज्ञापन सौंपकर न्याय करने की गुहार लगाई है। दिव्यांग केबल व्यवसायी योगेश ने एसडीएम को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा केबल लाइन को क्षतिग्रस्त कर केबल प्रसारण को बाधित कर आम जनता को स्वस्थ मनोरंजन से दूर रखा जा रहा है। असामाजिक तत्वों की इस करतूत से एक तरफ जहां उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं लगातार प्रसारण बाधित करने से केबल उपभोक्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं। दिव्यांग केबल व्यवसायी योगेश ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम को कुछ इस प्रकार से बताई। साहू, मैं केबल चलाता हूँ गोष्ठी भाटा में, जो कि यानी 25 साल चला रहा हूँ। अभी मेरे बगल में अशोक शर्मा जो रहते हैं, वो मेरे इसमें जो कनेक्शन सब इसमें डाले जा रहे हैं और मेरा रोजी रोटी इसी में चलता है, और उस तक मेरा कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं वो। ना ही मैं इसमें मारपीट कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहते हैं। मैं अभी आवेदन सर को दे रहा हूँ ताकि इसमें कार्रवाई हुए और इनको रोका जाए, इनको इनके इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और क्योंकि वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनको जरूरी है, अगर नहीं रोकते ना, मेरे को अगर मेरा ये आवेदन है जो है नहीं, वो क्लियर करते हैं, नहीं रोक सकते हैं, मैं अपने पूरे परिवार से लेकर यहीं पर धरना दूंगा और आत्महत्या भी करूंगा, क्योंकि इन लोग इस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं क्या है? ये शासन क्या कर रही है? शासन क्या तो ऐसी बैठी हुई क्या? या